थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर आज हम बात करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में कि एक थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की जो नेम प्लेट है उस पर क्या क्या डिटेल्स होती हैं तो ये हमारे पास एक नेम प्लेट है थ्री फेस सिंक्रोनस पावर जनरेटर की जो कि हमारे पास जो बना है वो आई ई सी थर्टी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कोड के हिसाब से बना है ये एक थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर है जिसकी टाइप जो है हमारे पास वो डब्ल्यू वाई टू वन जेड डैश ज़ीरो नाइन सेवन है जो जनरेटर की टाइप होती है इसको हम जब गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इस जनरेटर की कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी ये इसका सीरियल नंबर है टू थ्री टू ज़ीरो सीरियल नंबर मैन्युफैक्चरर के लिए होता है ये इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है नाइनटीन नाइन्टी फाइव उन्नीस सौ पचानवे में इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हुई रेटेड पावर जनरेटर जो इसका रेटिंग है पावर की वो दो सौ है या फिर इसको हम दो लाख के भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ जनरेटर इसकी जो स्पीड है जनरेटर की हमारे पास वो थ्री थाउजेंड है जो रेटेड स्पीड है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है जनरेटर की वो फिफ्टी हर्ट्स है ये जो जनरेटर डिज़ाइन हुआ वो फिफ्टी हर्ट्स के लिए हुआ है इसके जो रेटेड वोल्टेज हैं वो फिफ्टीन थाउजेंड वोल्ट या फिर फिफ्टीन के वी हम कह सकते हैं इसके जो एक्साइटेशन वोल्टेज हैं वो टू नाइन वोल्ट हैं क्योंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है तो इसको हम एक्साइटेशन एक्सटर्नल जो है वोल्टेज ये टू वोल्ट डी देते हैं ये इसकी रन अवे स्पीड है रन अवे स्पीड हम कहते हैं कि जब भी जनरेटर नो लोड हो जाए फ़ौरन से उसके ऊपर से लोड कट ऑफ हो जाए तो वो मैक्सिमम स्पीड पे जाता है तो ये जो जनरेटर मैक्सिमम स्पीड बियर कर सकता है वो थर्टी सिक्स हंड्रेड आर है छत्तीस सौ आर तक ये इसकी रन अवे स्पीड है उसके बाद जो इसका रेटेड करंट है वो सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी एट एम है सात हज़ार छः सौ अठानवे एमपियर इसका रेटेड करंट है जबकि इसका एक्साइटेशन करंट जो कि हम एक्सटर्नली देते हैं वो थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एमपियर है तेरह सौ छिहत्तर एम जो इसकी एनर्जी जनरेट करता है ये वो फाइव सिक्स सेवन टू है उसके बाद जिसका पावर फैक्टर है वो ज़ीरो पॉइंट एट है इसकी इंसुलेशन क्लास जो है वो एफ है जो कि मैं अपनी मोटर की नेम प्लेट डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ जो एफ़ इंसुलेशन क्लास होती है उसका टम्परेचर जो वो बियर कर सकता है वो वन फिफ्टी फाइव डिग्रीज़ है उसके बाद इसका जो प्राइमरी कूलेंट है हमारे पास वो फोटी डिग्रीज़ है जबकि इसका कनेक्शन टाइप स्टार है यानी इसका कनेक्शन होगा वो स्टार में होगा थ्री फेज होंगे और न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल आ रहा होगा जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है ये इसकी इंग्रेस प्रोटेक्शन है आई पी फिफ्टी फोर आई पी फिफ़्टी फोर में जो आई पी है वो इंग्रेस प्रोटेक्शन को शो करता है जो फर्स्ट नंबर है फाइव वो सॉलिड पार्टिकल्स को शो करता है और जो सेकंड नंबर है वो लिक्विड पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है उसके बाद है ड्यूटी साइकिल ऑपरेटिंग ड्यूटी भी हम इसको कहते हैं जो कि इसकी एस वन है एस वन जो होती है वो कंटीन्यूस ड्यूटी को कहते हैं हम इसको कंटीन्यूसली चौबीस आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स चला सकते हैं तो ये जो जनरेटर है हमारा वो मेड इन इटेलिया है जेनोवा में जेनोवा एंसाल्डो इनर्जिया कंपनी है ये कंप्लीट डिटेल्स हैं थ्री फेस इंकोरेंस जनरेटर की अगर इसके अलावा आपको कोई डिटेल्स पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ग्रिड्स में उसकी नेम प्लेट पे क्या क्या डिटेल्स होती हैं उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं तो देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री